तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी हैशटैग पढ़ाई हैशटैग डेटा स्ट्रक्चर्स पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियोस पे जो कि ट्रीज के ऊपर हम लोग का चल रहा था डिस्कशन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले AVL ट्री के बारे में। तो क्या है ये AVL ट्री, बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। AVL ट्री असलियत में ये साइंटिस्ट के नाम पे AVL रखा गया है, एडेलसन वेल्स की और लैंडिस। तो भैया एक कौन कौन थे, एडेलसन कुछ भी नाम है लोग का, बड़े बड़े फॉरेनर थे। तो ये दोनों जो थे ये मैथमेटिशियन थे बेसिकली, ठीक है। दोनों के बीच में क्या थी, एक मैथमेटिकल बॉन्डिंग थी बहुत ही अच्छी खासी। तो आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा हूँ क्या है, ये जो था एडेलसन वेल्स की सर जो थे वो कौन थे, वो कंप्यूटर चेस प्रोग्राम डेवलपर थे। मतलब कंप्यूटर चेस का जो प्रोग्राम था इन्होंने डेवलप किया था पहली बार, और ये काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले व्यक्ति थे जो कि बहुत ही उस जमाने में बहुत ही हाईटेक आदमी थे, मतलब बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एक वेल नोन मैथमेटिशियन थे रशिया के, ठीक है। उसी तरीके से एक लैंडिस जो आदमी था, क्योंकि दोनों मैथमेटिशियन थे तभी दोनों में बनती थी, ठीक है। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था वो सिर्फ मैथमेटिकल बॉन्डिंग था। तो ये जो थे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हम लोग पढ़े हैं बचपन में, ठीक है, उस पर काम किए थे, ठीक है। जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी आदमी के कारण आया है। बहुत ही अच्छा आदमी थे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, एक दिन दोस्त बने और मैथमेटिकल बॉन्डिंग होने के कारण एक दूसरे को मैथमेटिकल बातें करते करते उन्होंने क्या किया, एक ट्री का इन्वेंशन कर दिया जिसको नाम दे दिया गया AVL ट्री, ठीक है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन AV सर का था, इसलिए वो उन्होंने अपना दो लेटर का वर्ड लगाया, और लैंडिस जो थे उनका नाम कुछ FLG कुछ जो भी होगा विकिपीडिया में जाके सर्च कर सकते हैं, FGNI लैंडिस था। तो जो भी थे वो उनका क्रेडिट मतलब थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक है। जब प्राइस लेने की बारी आई तो ये ज्यादा क्रेडिट लेके अपना काम कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, तो कोई उसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है। तो हम लोग थोड़े टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक पे आते हैं AVL ट्री के बारे में। तो AVL ट्री क्या होता है, AVL ट्री होता है बैलेंस बाइनरी ट्री। पिछले वीडियो में हमने देखा था बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री एक ऐसा सिंपल सा ट्री है जिसके नोड के लेफ्ट साइड में छोटे छोटे एलिमेंट, मतलब इससे छोटे एलिमेंट, इससे कम वैल्यू वाले एलिमेंट्स होंगे, और राइट साइड में इससे बड़ी वैल्यू वाले एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा बाइनरी ट्री था, बाइनरी सर्च ट्री था, ठीक है। अब ये AVL ट्री क्या है, AVL ट्री भी असलियत में एक बाइनरी सर्च ट्री ही है। बस यहाँ फर्क कितना है, ये फर्क है कि इस ये क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब इसका जो बैलेंस फैक्टर है, इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो ये ही है, -1 है या 0 है, अब 1 है। अब भैया ये बैलेंस फैक्टर नामक चीज आई तो आई कैसे, तो कैसे आई तो वो हम लोग देखते हैं है क्या चीज है बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है, कोई भी अगर मैं ट्री बनाया, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बनाया 10 और इधर 20, इधर मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं 5, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को इस नोड का, हर एक नोड का अपना क्या होगा, एक बैलेंस फैक्टर होगा। तो कैसे हम लोग देखेंगे उसका बैलेंस फैक्टर, तो जितना लेवल है लेफ्ट साइड का माइनस जितना लेवल है राइट साइड का। तो इधर लेवल कितना है, 1 लेवल है, इधर लेवल कितना है, 1 लेवल है। तो 1 - 1 कितना होगा इसका बैलेंस फैक्टर इस नोड का, 0, ठीक है। अब इसके तो लेफ्ट और राइट में कुछ है ही नहीं, तो इसका भी बैलेंस फैक्टर होगा 0 और इसका भी होगा 0। और कुछ देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये है 50, ये है 10, ये है मान लेते हैं 60, ये है मान लेते हैं हमारा 55, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं इसमें नीचे से चालू करते हैं, अगर देखना तो इसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसके लेफ्ट में क्या है, 1 है, इसके राइट में क्या है, कुछ नहीं है। तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। इस वाले का देखें तो इस वाले के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब इस वाले का अगर मैं देखूं तो इधर है लेवल 1 और इधर है लेवल 1 और 2, तो क्या होगा, 1 - 2, तो ये क्या होगा, -1, तो ये इसका लेवल, इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, -1। तो ये भी क्या है, एक AVL ट्री है, मतलब हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो AVL ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है।
वो क्या होगा, सिंपल बाइनरी ट्री होगा। हम लोग को क्या ध्यान रखना है, हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए, मान लो कि बात मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट कर दूं, यहाँ पे 3 इंसर्ट कर दूं, तो अब अगर मैं देखूं इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका बैलेंस फैक्टर अब होगा 2। लेफ्ट साइड में 2 लेवल है, माइनस राइट साइड में 1 भी नहीं है, तो 2 हो गया। इसका बैलेंस फैक्टर अगर मैं देखूं तो 1 2 3, 3 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये यहां पे इस वाले नोड के कारण, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर ये 3 में से नहीं है, तो ये हमारा AVL ट्री अब नहीं कहलाएगा। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं AVL ट्री में अपने रोटेशन पॉलिसी के थ्रू, मतलब ये जो नोड है वो गड़बड़ी कर रहा है, तो हम लोग इसको AVL ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी AVL ट्री में अगर गड़बड़ियां होती हैं तो 4 रोटेशन पॉलिसी है उसकी मदद से इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बात है अगर समझ में आ गई है, तो अभी हम लोग आगे के इसी वीडियो के आगे के सेशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रोटेशन पॉलिसी का यूज करके गड़बड़ियां ठीक कर सकते हैं AVL ट्री में। तो चलिए उसको बिना देरी के शुरू करते हैं।